नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में पूर्व बिशप पीसी सिंह का खास गुर्गे सुरेश जैकब को राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। सुरेश जैकब पर यह भी आरोप है कि उसने पीसी सिंह के साथ मिलकर ईसाई मिशनरियों की जमीनों का घोटाला किया है। पीसी सिंह के हर अवैध काम में सुरेश जैकब बराबर का राजदार रहा है। बताया जाता है कि पीसी सिंह के गिरफ्तार होने के बाद से ही उसके खास गुर्गे सुरेश जैकब पर शिकंजा कसे जाने की चर्चाएं जोरों पर रही। ईओडब्ल्यू की टीम भी सुरेश जैकब से लगातार पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के बाद ईओडब्ल्यू ने आज सुरेश जैकब को भी गिरफ्तार कर लिया है। सुरेश जैकब के बारे में यही कहा जा रहा है कि पीसी सिंह के हर अवैध काम में वह बराबर का हिस्सेदार रहा। यह बात अलहदा है कि सुरेश जैकब सारे काम पर्दे के पीछे रहकर करता था। सुरेश जैकब के जरिए ही पीसी सिंह ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, जिसके फल स्वरूप पीसी सिंह ने सुरेश जैकब के बेटे क्षितिज जैकब को भी एक स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया। वहीं सुरेश जैकब क्राइस्ट चर्च स्कूल का मैनेजमेंट संभालता रहा। स्कूल से मिलने वाली फीस में पीसी सिंह ने जो घोटाले किए हैं उसमें सुरेश जैकब का भी हाथ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर। रुक जाना भाई। नामी जी नहीं है क्या? हाँ, रिमांड कितने दिन की? जैकब जी कुछ बताएंगे? जैकब जी, क्या कुछ पता चला है? प्रकरण की विवेचना चल रही है और विवेचना में जो साक्ष्य आए हैं उसके आधार पर उनको आरोपी बनाया गया है और आरोपी के विरुद्ध जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर उनको आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उनको जेआर पर भेजा गया। क्या भूमिका इनकी पाई गई है जांच? वो जो अपराध हुआ है उस अपराध में ये उनके सहयोगी हैं, वो षड्यंत्र के हिस्से हैं और जो भी चीज़ें हुई हैं उन सभी में इनकी सहभागिता पाई गई है। और बाकी चूंकि विवेचना का विषय है इसलिए उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आज पीसी सिंह की ओर से बेल एप्लीकेशन भी हियरिंग होना था, उस पर क्या? उसमें अगली तिथि जो है माननीय न्यायालय द्वारा 14 तारीख की तय की गई है। दस्तावेज पेश करना है क्या? 14 तारीख को सुनवाई होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।